किसान भाइयों, आज हम सांदन गांव में हैं और मैं भैया से परिचय कराता हूँ। देखो कितना अच्छा गन्ना खड़ा है इनका है। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार जी, जी थोड़ा अपना परिचय दो पहले। मेरा नाम रमन देशवाल, गांव सांदन, मवाना तहसील। तो ये कौन सा गन्ना आपका? यो कोलक 97-09 की अब पेडी है जी। तो पोगा बड़ा अच्छा फूट रहा। हाँ, वेराइटी में इसमें पोगा काफी है जी। ये कितनी दूरी पे खोड़ो? यो 58 इंच पे ही जी। तो ये मिट्टी कैसे चढ़ाई दी आपने? यो यंत्र है मिट्टी चढ़ाने का जी। ट्रैक्टर से कैसे? ट्रैक्टर से ही। छोटा ट्रैक्टर? हाँ। कौन सा? कुबोटा। अच्छा, कुबोटा 21 HP। 24-41 कौन सा है वो? 21 HP है। 21 HP पोगे बहुत सोने छोड़ दिए। हाँ, तो वो नहीं चलाया था ना, वो चलावा वो ऊपर काटते वो रेटून मैनेजर। हाँ। ना जरूरत नहीं जी कुछ। हमें पोगे अच्छे लगे। पोगे अच्छे जी, मगर छोड़ के देख लो। फिर बहुत बढ़िया जी, राग बंधवा दी उसे। और इसके इस बीज के पानी का पता चल जाएगा। सही बात, बंधवानी तो पड़ेगी पिड्डी। हाँ देखो जी, जोर पूरे करेंगे। हानी पिड्डी। अब देखो इसमें यो खूबी दिखाई दी हमें जी। देखो जी, यो वो पोगा है जो गन्ना बनेगा। हाँ बहुत घिनका भी आप। बिल्कुल, इसे तो ऐसा मानो आप जैसा आप इतनी लोग मेहनत करके सब्जी को तैयार करा, वो तैयार है। जी 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 जी, अगर काटते तो इसमें तो मुझे बुराई दिखाई दी नहीं बीज में। बाजा बाजा पेडी कटवा के उसमें वो रखा वो नुकसान ना, ना वो उसमें कोस्ट ही बढ़े है जी। कोस्ट बढ़े जैसे तो दोबर बनवानी पड़ जाएगी और क्या। हाँ, ज्यादा अगर जनवरी फरवरी में करवावे तो वो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इस टाइम तो बहुत लेट हो गया ना। जी जी, और मतलब जहां तक मुझे लगता है जी 10 मार्च के बाद रेटून मैनेजर भी चलाना मूर्खता ही है। सही कह रहे हैं, लेट हो जाते। हाँ, यो इसका पौधा जी। हाँ, इसके बारे में और बता दो। ये लखनऊ से लाए थे जी। अच्छा। हाँ, हमारे बड़े भैया हैं अरुण भाई। कतेक बीज लाए थे? मोनी भाई। हाँ, पिछले साल हमारे पास ये 5 बीघे का था जी। अच्छा, और इस बार 6 एकड़ था टोटल। तो बिना बंदा खुला खड़ा है? सब खुला खड़ा जी। क्या हो सकता है, देखो इसके लेके। यो आपका 70+ चल रहा जी हर खेत। 5 बीघे का? 5 बीघे में। तो बहुत बढ़िया है जी। और मुझे इसके इस वजन का अनुभव इसके निरोगे होने से लग रहा जी। हाँ, निरोगे। इसमें टोपर वगैरह ना कुछ नहीं जी। आप पूरा घूमो खेत में, कहीं बोरर का नाम ही नहीं। बिल्कुल हरा कंच खड़ा। इधर कौन सा बीज है? अच्छा, ये तो इसकी तो नमस्ते हो लीजिए। 38 है। 38 है। ये बढ़िया खड़ा। पहचान क्या है? अच्छा, पहचान भाई उसकी पहचान देखो। आपको पहचान बता रहा हूँ। पहले तो नाम बताओ बीज का। ये वैरायटी है जी कोलक 97-09। कोलक 97-09। और इसका मेन कैरेक्टर है जो ज्यादातर कोलक वैरायटियों में होता है जी। जी, ये ढोलक टाइप पोरी नहीं होती, इसकी बीच में से संकरी होती है। अच्छा अच्छा। और इसके जो नोड है ये उभरे हुए उभरे होते हैं। और आप इसकी आंख दिखाएं जी एक बार। ना आंख ज्यादा उभरी हुई ना दबी हुई, मीडियम। तो जर्मिनेशन में कुछ दिक्कत ही नहीं थी। बाकी वैरायटी ठोस है जी। नीचे बारीक है, ऊपर से मोटा। हाँ, नीचे से बारीक है और ऊपर मोटी है। और मोटा होता है। और भाइयों लंबाई बेची कब कब आया है? यो है जी 19 मार्च। देखो बहुत बढ़िया खड़ा है। हाँ, और हम तो जी इस वैरायटी से वाकई खुश है। आप मतलब कोई नहीं बोली, सब इसी बोरे? हाँ, इसे ही बोरे जी। ये पसंद आ गई? हाँ, पसंद आ गई जी। और यो स्प्रे की टंकी टांड पर रखवा देगी, गारंटेड। अच्छा, जरूरत। हाँ, नहीं, इस खेत में लेपिडोज लगा हुआ जी बस। अच्छा, कोई स्प्रे नहीं। ये बढ़िया। और किसान तो हफ लिया दवाई करता करता। हाँ, और अगर यो 38 और 4-5 साल चल गया जी तो ज्यादातर किसान जो है वो स्पाइन के पेशेंट हो जाएंगे, रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों, पहले तो 15-15 लीटर की उठा रहे थे जी, अब वो वैसी आ गई पेट्रोल वाली 25 लीटर की उठा रही जी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और 4-4, 6-6 स्प्रे करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें एक स्प्रे की जरूरत नहीं ना, कुछ नहीं जी। हमने इसमें लेपिडोज लगाया। भाई ये पोगा बहुत सुंदर फुट रहा, देख लो भाई। इसी बीज को बो रहे हैं, कितना बोना आपका? यो हो जाएगा जी 18-19 बीघे हो जाएगा पौधा। तो और भी सारे फेर कर दिया आपने ना? और हमारी समझ में वैरायटी आ रही है ना। देखो जी 15-23 को गिद्दड़ नहीं छोड़ रहे, 14-201 बढ़ के नहीं दे रहा, और 13-235 वजन नहीं दे रहा। तो बो के पता लगे। हाँ, आपने बोया अच्छा लगा इसलिए बो रहे हो। बिल्कुल जी, बोए हमने वे भी पर नमस्ते कर दी थी जी। नमस्ते कर ली भैया। सोची बात है, पोगा देखो इतना बढ़िया, अगली फसल भी टॉप की होगी इसकी। और 14-201 की साथ तो बबलू भाई ऐसा हुआ जी कि बहुत किसानों ने वो ओटम का बसंत कालीन बता के बेच दिया। अच्छा, कि इसकी इतनी हाइट होगी जी,
किसान बिना मतलब ठगे गए जी। और यहाँ के यहाँ हमारे गांव में भी बोया जी, बट जवाब दिया नहीं बीज ने। अरे देखो कलर कितना बढ़िया खड़ा, देखो हरा रंग है बिल्कुल, न्यार बहुत है जी, डांडी बढ़िया। हाँ न्यार की समस्या नहीं, हरा पत्ता बहुत है, डांडी बढ़िया होता है। चलो कंठी तो नीच में ना कुछ नहीं जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाइयों गन्ने की वैरायटी कैसी लगी जरूर लाइक करना शेयर करना। नमस्कार भाइयों, बीज के लिए परेशान ना करें, किसान भाई खुद ही बो रहे हैं आपके। तो भाइयों दो हिस्से खेत भूग गया, निपटा दें काम आराम से हो जाएगा। तो छोटा खेत है, उसे बोने में कबात पड़ती है, इसमें भी सदा मैसी खड़ा है, मैसी फर्गुसन इनोवेटर गिरोह की बहने। भाइयों ये वही बीज है जो मैंने आपको दिखाया खेत में खड़ा हुआ, देखो कितना अच्छा, ये आठवीं खेत है किसान भाई का। बोने का तरीका है, एक आंख का बीज बो रखा, चार अंगल का गैप रखा बीज के बीच में। किसान को पसंद आया तभी तो इसे बो रहे हैं किसान भाई। इधर बीज काटा जा रहा है, एक आंख का बीज, लेबर वहाँ बीज को रख रही है सीधा करके बिल्कुल। ये देखो भाई ये ट्रॉली में वही बीज भरा हुआ है, इधर भी पड़ा है, और भाइयों ट्रैक्टर द्वारा मशीन से काटा जाता है बीज। एक आंख का बीज काटा जा रहा है, लेबर ने इधर बो दिया, काफी बड़ा आठवीं खेत है। मैं दिखा रहा हूँ काला बो दिया भाई, ये 58 इंच बोया गया, इधर बीज भी रह रहा सुधा करने बगैर 58 इंच पे, कोई 60 बोरा कोई 58 कोई 54, ये तो अपना हिसाब है, कोई बात नहीं। लास्ट पर किसान 60 इंच भी आ जाता है, परेशानी दिख गई। हमारी गाड़ी सामने खड़ी है, आज हम संदन गांव में आए हैं रमन भाई के पास। भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना। नमस्कार।